हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हेलो हेलो हेलो। अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रैफिक फ्लो डायग्राम्स। आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। उस ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट, या मैं बोल दूं हार्ट ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, बेस्ड ऑन दीज थ्री डायग्राम्स, ट्रैफिक फ्लो डायग्राम्स। इन ट्रैफिक फ्लो डायग्राम्स हम क्या पढ़ेंगे, हम एक्चुअली ट्रैफिक पूरा, जब भी हम पूरा स्टडी करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग को, तो तीन पैरामीटर हम सबसे इम्पोर्टेंट लेते हैं। इसलिए अब वो तीन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में वही तीन पैरामीटर बार बार में काम आएंगे, इसलिए हमको डायग्राम सीखना जरूरी है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। इन डायग्राम की जो अंडरस्टैंडिंग है, कैसे ये डायग्राम आते हैं, वह उस बेस पे आपका पूरा का पूरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग चलेगा। तो तीन वर्ड्स है, खूबसूरत वर्ड्स है, देखेंगे आप। पहला तो जैसे कि ट्रैफिक वॉल्यूम, ओके। ट्रैफिक वॉल्यूम मीन्स की, पहले मैं तीनों वर्ड लिख देता हूं। ट्रैफिक, इसको क्यू से दिखाते हैं, ट्रैफिक डेंसिटी के, और थर्ड है स्पीड ऑफ व्हीकल यू। चलिए, ओनली तीन पैरामीटर पे सारी की सारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेस्ड है। व्हाट इज द ट्रैफिक वॉल्यूम, या मैं कह दूं व्हाट इज ट्रैफिक फ्लो, मतलब कैसे ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, कैसे एक सड़क से, एक रोड से ट्रैफिक बह के जा रहा है, फ्लो करके जा रहा है। अगर ट्रैफिक फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस रोड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है। अगर ट्रैफिक फ्लो नहीं कर रहा, उसका एक और रीजन होता है, वो मैं आपको ड्यूरिंग द जब डायग्राम हम बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, ओके। ट्रैफिक डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है कि एक किलोमीटर में कितने व्हीकल्स खड़े हैं, ठीक है। तो अगर मान लो जाम हो रहा है कहीं पे, इसका मतलब एक किलोमीटर में एक नंबर ऑफ व्हीकल्स खड़े हैं, इसलिए जाम हो रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ व्हीकल्स खड़े हैं। अगर उस एक किलोमीटर में बहुत ही कम व्हीकल चल रहे हैं, इसका मतलब डेंसिटी नॉर्मल है, जीरो भी नहीं है तो मैक्सिमम भी नहीं है, बीच की कोई वैल्यू है। डेंसिटी मीन्स क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल पर किलोमीटर। एक किलोमीटर में नंबर ऑफ व्हीकल आपको क्या दिखाएंगे, डेंसिटी दिखाएंगे। स्पीड ऑफ व्हीकल यू नो किलोमीटर पर आवर में होता है। वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम मैंने आपको पहले ही समझा दिया, उस समय लिखना बोलिए। तो ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो कितना हो रहा है। अब आप किलोमीटर में तो फ्लो चेक नहीं कर सकते कि एक किलोमीटर में कितने व्हीकल है, वो तो डेंसिटी दिखाता है, ठीक है, डेंसनेस दिखाएगा। अगर बहुत ज्यादा व्हीकल है तो डेंस ट्रैफिक हो गया, अगर बिल्कुल ही कम, बिल्कुल ही नहीं है तो एकदम लूज ट्रैफिक हो गया, ठीक है। लेकिन व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, या मैं दूसरा नाम इसको दे सकता हूं, फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। This will be vehicle per hour. एक घंटे में किसी जगह से कितने vehicle निकल रहे हैं, this will give you the traffic volume. जैसे कि मान लीजिए एक एक घंटे, हर घंटे वहां से 3000 vehicle निकल रहे हैं किसी भी रोड से, इट मीन्स कि उसका volume काफी ज्यादा है। अगर किसी रोड से पर आवर का जो volume आ रहा है ओनली 500 vehicles आ रहा है, इसका मतलब वो लो वॉल्यूम रोड है। हो सकता है लो वॉल्यूम रोड पे लो डेंसिटी पे है, लेकिन डायरेक्ट हम कनेक्ट नहीं कर सकते, वो हम डायग्राम से आपको बताएंगे, ठीक है। आपको इन तीनों का मतलब समझ में आना चाहिए। व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, दिस इज व्हीकल पर आवर। व्हाट इज ट्रैफिक डेंसिटी, दिस इज व्हीकल पर किलोमीटर। एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ व्हीकल, इज किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इन तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूं, सिर्फ यूनिट वाइज अगर मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूं, तो आप समझ सकते हैं क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू यू। कैसा हो गया ये देखो, के व्हीकल पर किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, क्या बन गया, व्हीकल पर आर। और व्हीकल पर आर ही क्या होता है, क्यू होता है। तो व्हाट इज द बेसिक, जो सबसे बेसिक आपका रिजल्ट है फॉर द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, दैट रिजल्ट इज ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक फ्लो इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल, के इंटू यू। ये आपका बेसिक रिलेशन ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब हम देखेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया U के भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया K के भी, लेकिन है ऐसा भी है, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी यहां से मैं तीन चार वर्ड्स और यूज करूंगा। एक तो वर्ड मैं यूज करूंगा यहां से, जैम डेंसिटी। एक वर्ड मैं यूज करूंगा, फ्री फ्लो स्पीड। एक हम वर्ड यूज करेंगे, ऑप्टिमम स्पीड एंड ऑप्टिमम डेंसिटी।
ये सब वर्ड के मतलब मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जाम डेंसिटी वो आपको ग्राफ में और जल्दी समझ में आएगा, लेकिन अभी ऐसे ही आप सीख लेते हैं। जाम डेंसिटी मतलब ये हो गई, या जाम डेंसिटी मतलब ये हो गया ऐसी डेंसिटी जो जाम लगाते, सिंपल सी बात है, जैसा आपको समझ में आ रहा है, ऐसी डेंसिटी जो जाम लगाते। जाम लगाते मतलब कि आपका ट्रैफिक कहीं पे अगर जाम हो गया, इसका मतलब एक किलोमीटर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल आ गए तभी तो जाम हुआ है, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो आराम से फ्लो कर लेता ना। एक किलोमीटर में कम भी 1000 व्हीकल फंस चुके हैं या फिर 500 व्हीकल फंस चुके हैं, इसीलिए वो आगे ट्रैफिक नहीं बढ़ पा रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, जाम। इसका मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमम डेंसिटी हो गया। क्या मुझे बता सकते हैं अगर डेंसिटी मैक्सिमम है तो स्पीड क्या रहेगी? जस्ट इमेजिन, अगर डेंसिटी मैक्सिमम है, जाम लगा पड़ा है, तो व्हीकल की स्पीड क्या आएगी? जीरो, क्योंकि व्हीकल चल ही नहीं पाएंगे ना। यही हिसाब की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगेगी। चलो एक हम पढ़ेंगे फ्री फ्लो स्पीड, यूएसएफ। फ्री फ्लो स्पीड मतलब होता है बिना किसी टेंशन के स्पीड। मैं आपको मतलब एकदम इनफॉर्मल वे में बता रहा हूं, अभी के लिए आप यही याद रखिए, इन फ्री फ्लो स्पीड मतलब होता है बिना किसी टेंशन के स्पीड, मतलब कि रोड पूरी खाली पड़ी है, कोई बीच में आने वाला नहीं है, कोई आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आप मर्जी पड़े जितनी स्पीड से चला सकते हैं, इवन नॉट पुलिस वाला इज देयर कि जो आपको रोक दे स्पीड लिमिट से ज्यादा, बिल्कुल आप फ्री माइंड से जो स्पीड से गाड़ी चलाएंगे वो है फ्री फ्लो स्पीड। लेकिन ये वो स्पीड नहीं है जो रोड की अपर लिमिट स्पीड है, ये वो स्पीड नहीं है जिस जो आपके रोड पे लिखी होती है 90 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड, आप उस पे नहीं, आप हो सकता है उससे ज्यादा पे हैं, हो सकता है उससे कम पे भी है, आप बिल्कुल बस फ्री माइंड है इस जगह पे, ठीक है, ये वो फ्री स्पीड हो गई। ऑप्टिमम स्पीड एंड ऑप्टिमम डेंसिटी, यूओ और केओ, ठीक है, ये वो ऑप्टिमम चीज है जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। ये ना तो जाम कर रहा है, ना ही बिल्कुल खाली रोड दे रहा है। सिमिलरली ये ना तो आपको टेंशन फ्री स्पीड दे रहा है और ना ही आपको जीरो स्पीड दे रहा है, ये कहीं बीच की चीजें हैं, ठीक है। वो कहीं बीच की चीजें कैसे आती है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो हम तीन रिलेशन बिल्टअप करेंगे। पहला रिलेशन बिल्टअप करेंगे हम स्पीड एंड डेंसिटी में, ठीक है। पहला रिलेशन हम बिल्टअप करेंगे स्पीड एंड डेंसिटी में, दूसरा हम करेंगे स्पीड एंड वॉल्यूम में या स्पीड एंड फ्लो में, ओके, और तीसरा बिल्डअप करेंगे हम वॉल्यूम एंड डेंसिटी में, ठीक है। इन तीनों से आपको इस पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ओके। तो मैं रब कर रहा हूं यहां तक, मैं एक बार वापस एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं उस पूरे का। ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब व्हीकल पर आवर, ट्रैफिक डेंसिटी मतलब व्हीकल पर किलोमीटर, एंड स्पीड ऑफ व्हीकल किलोमीटर पर आवर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन तीनों में जब हमने रिलेशन बिल्ट अप किया था, यू विल गेट क्यू इज इक्वल टू के इन टू यू। अब हम तीन जो वर्ड यूज करने वाले हैं टेक्निकल टर्म्स है, जाम डेंसिटी मतलब वो डेंसिटी, वो मैक्सिमम डेंसिटी जब आपका जाम लग गया हो, जब जाम लग जाएगा तो स्पीड जीरो हो जाएगी। फ्री फ्लो स्पीड, ये वो स्पीड है, ना पूरी नहीं बताऊंगा अभी, ये वो स्पीड, ये कौन सी स्पीड है ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, लेकिन अभी मैं इनफॉर्मल वे में कह रहा हूं ये वो स्पीड है जो आप बिना किसी टेंशन के चलाते हैं, फ्री माइंड से चलाते हैं। एंड देन व्हाट इज ऑप्टिमम एंड व्हाट इज ऑप्टिमम स्पीड एंड व्हाट इज ऑप्टिमम डेंसिटी, ये वो स्पीड और वो डेंसिटी है जहां पे आपको ऑप्टिमम है, ना बहुत ज्यादा तेज चला रहे ना बहुत कम चला रहे, बीच की कोई डेंसिटी है, सॉरी बीच की कोई स्पीड है, और ये कौन सी डेंसिटी है, ना तो जाम लगा है ना बिल्कुल रोड खाली पड़ी है, बीच की कोई डेंसिटी है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड रिलेशन बिटवीन देम, मैं बिल्ड नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा आप बताएंगे जैसे जैसे हम काम करेंगे, ठीक है। पहला हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं स्पीड एंड डेंसिटी, ओके। चलिए आप खुद ही सोचेंगे, खुद ही आंसर देंगे। ये पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट पे डेंसिटी जो है वो जीरो है। अगर डेंसिटी किसी रोड की जीरो है, व्हाट इज डेंसिटी, अगर मैं वापस आपको यहां पे लिख रहा हूं डेंसिटी के इज व्हीकल पर किलोमीटर, अगर डेंसिटी बिल्कुल जीरो है मतलब पर किलोमीटर कोई व्हीकल ही नहीं है। अगर पर किलोमीटर कोई व्हीकल ही नहीं है, आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए सामने ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता आप एकदम अपनी मर्जी की स्पीड से चलाएंगे? आप खुद सोचिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम रात को 2 बजे, ठीक है।
रात को 2 बजे जब आप सड़क पे निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, आपको सबसे लेस भीड़ दिखाई देती है उस समय। उस समय कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ना पुलिस वाले हैं, ना कोई सिग्नल है, कुछ काम नहीं कर रहा है। रात को 2 बजे आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक नहीं है रास्ते में। आप क्यों मैक्सिमम स्पीड पे चल सकते हैं, क्यों आप बिना टेंशन चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आगे कोई ट्रैफिक नहीं है। अगर मिला तो भी 15-20 मतलब 100-150 मीटर बाद अगर कोई मिला, नहीं तो मे भी 1 किलोमीटर तक कोई मिला ही ना आपको, आप अपनी मर्जी की स्पीड से चला सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब यहां पे के 0 है, इधर आपको एक यू की वैल्यू मिलेगी जो कहलाएगी आपकी यू एस ए फ्री फ्लो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पे आप घूम रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं सुबह 9:30 के बीच की, 9:30 AM to इस समय के 0 था तो हमारी यू क्या थी, यूएसएफ थी। 9:30 AM to 10:30 AM इस समय जो आपका के है वो जैम डेंसिटी हो जाता है। क्यों बोल रहा हूं, दिस इज द ऑफिस टाइम इन जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, हमेशा जरूरी नहीं ऐसा हो लेकिन इन जनरल बात कर रहे हैं हम। जब आपका डेंसिटी जैम डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, जब आपका डेंसिटी जैम डेंसिटी के बराबर हो जाएगा मतलब आपकी सड़क तो जाम हो गई है। जब सड़क जाम हो गई तो आप बताइए आपकी स्पीड कुछ आएगी क्या, आप बिना टेंशन की स्पीड से चला पाएंगे जैसे वहां चला रहे थे, भैया आप खिसक ही नहीं पाएंगे क्योंकि जाम लगा हुआ है। स्पीड क्या हो गई, 0। इस समय स्पीड क्या हो गई है, 0। इसका मतलब जब के जो है के जे के बराबर पहुंचता है तो यू जो है क्या हो जाता है, 0। इस वक्त U क्या हो गया था, USF। इसका मतलब एक पॉइंट यहां अपना भैया रिलेशन बिल्टअप हो गया। ठीक है, रिलेशन आपको समझ में आया, क्या बोलना चाह रहे हैं, जब K K K से के इक्वल हो गया तो U 0 हो गया, जब K 0 हो गया तो U क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तब आप बोल सकते हैं कि ये मेरा रिलेशन हो गया स्पीड एंड डेंसिटी के बीच में। ठीक है, समझ में आया, ये सब तो मैं ऐसे ही लिखने की बातें हैं, 2 बजे रात को वो सब, ये तो कभी भी कोई भी कंडीशन आ सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे रिलेशन में। अच्छा, जो अपन लिख रहे हैं के जे इज इक्वल टू 0, यू इज इक्वल टू यूएसएफ, 0 का मतलब ये नहीं कि एक भी व्हीकल नहीं रहेगा, 0 मतलब एक नेग्लिजिबल कंडीशन, आपको 500-600 मीटर तक कोई व्हीकल ही नहीं मिला रास्ते में रात को 2 बजे, तो इट्स काइंड ऑफ नेग्लिजिबल। अब दूसरा रिलेशन बिल्टअप करेंगे, स्पीड यू और वॉल्यूम क्यू। अच्छा, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं आपसे, इस वाले डायग्राम में एक बार वापस चलेंगे। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं सुबह 7:30 से 8:30 बजे की, ये वो टाइम है जब आपका ऑफिस टाइम नहीं हुआ है, और ये वो टाइम भी नहीं है कि जो रात का टाइम था। इस वक्त ना तो आप अपने मर्जी से चल सकते हो, ना आप कहीं फंसोगे। ये वो आपको समय, ये वो स्पीड आपको देगा जो आप जनरली चलाते हैं, जो आप नॉर्मल अपने शहर की सड़कों पे जो 40-50 की स्पीड से चलाते हैं, क्योंकि आपको पता है इस स्पीड से मैं इसलिए चल पा रहा हूं क्योंकि रोड पे जाम नहीं है, इस स्पीड से मैं इसलिए चल पा रहा हूं क्योंकि रोड पे व्हीकल भी है। इस वक्त रोड पे बिल्कुल खाली व्हीकल वाली स्थिति नहीं है। ये वाला सीन कौन सा था, रात को 2 बजे वाला, जब दूर दूर तक कोई व्हीकल ही नहीं था तो आप मर्जी पड़े जैसे ही चला रहे थे। ठीक है, इस वक्त रोड पे इनफ नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जिससे आपको डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना कि जाम कंडीशन में होता है। तो ये वो कंडीशन हो गई जब के भी ऑप्टिमम है और आपकी स्पीड भी क्या आएगी, ऑप्टिमम आएगी। तो इस वक्त जो है के भी के ऑप्टिमम रहेगा और यू भी क्या रहेगा, यू ऑप्टिमम रहेगा। तो ये इन दोनों की कहीं बीच की कंडीशन है, मैं यहां लिख देता हूं के इज इक्वल टू के नॉट इस वक्त, नॉट के ओ है ये ऑप्टिमम, और इस वक्त U इज इक्वल टू U ऑप्टिमम। मैं आपको बताऊंगा ये ऑप्टिमम की वैल्यू क्या होगी, वो बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको यहां तक। चलिए अब हम वापस यहां की बात करते हैं, स्पीड और ये आपका वॉल्यूम Q। ठीक है, तो वॉल्यूम हमको पता है, यूनिट एक बार देख लेते हैं वॉल्यूम की, तो उससे हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। व्हीकल पर आवर, चलिए वंस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2 AM रात के 2 बजे। रात के 2 बजे आपकी स्पीड कौन सी है, यूएसएफ। आप धड़ाधड़ करके चल रहे हैं, बहुत ही तेज आपकी गाड़ी चल रही है रात को
2 बजे आपको क्या लगता है आप इतनी तेज गाड़ी क्यों चला पा रहे हैं? क्योंकि रात को 2 बजे आपकी डेंसिटी क्या थी? 0। आपको 1 किलोमीटर तक कोई व्हीकल ही नजर नहीं आया। जब आप सोचिए, जब आप इतना खाली दौड़ रहे थे, वहां कोई खड़ा खड़ा अगर आपको नोट कर रहा है तो उसको आप कितने टाइम बाद आए हुए दिखाई देंगे? समझ आया आपको? मतलब कि वहां दूर दूर तक डेंसिटी 0 है ना यार, व्हीकल कोई है ही नहीं। आपके बाद आप तो 2 बजे निकल लिए, कोई 2 बज के वापस पता नहीं कोई व्हीकल कब आएगा अपने फ्री फ्लो स्पीड से। इसका मतलब वहां पर आर कोई व्हीकल जा ही नहीं रहा है, बहुत ही नेग्लिजिबल। 0 का मतलब यही होता है नेग्लिजिबल। इसका मतलब जब आप फ्री फ्लो स्पीड पे चल रहे थे, आप इसलिए चल पा रहे थे क्योंकि फ्री फ्लो स्पीड पे आपकी डेंसिटी जो है रोड की 0 थी और आपका फ्लो भी क्या था, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। फ्लो था ही नहीं, तभी तो आप अपनी मर्जी से चल पा रहे थे। अगर थोड़ा बहुत भी फ्लो होता तो आपको अपनी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती भैया, समझ में आया? क्योंकि थोड़े बहुत भी व्हीकल पर आर निकलते आपको नजर आते कि भैया इस जगह से तो 15 मिनट में 300 व्हीकल निकलते हैं, मतलब पर आर कितने निकलेंगे, ऑलमोस्ट 1200 व्हीकल। जब 1200 व्हीकल पर आर निकल रहे हैं तो भैया आप उस स्पीड से नहीं चल सकते जिस स्पीड से आप रात को 2 बजे चल रहे थे, क्योंकि रात को 2 बजे जो वहां का फ्लो था वो ऑलमोस्ट 1 to 1 या 5 व्हीकल पर आर था। कि 1 घंटे 5 व्हीकल निकलते तो बीच में बहुत जगह पड़ी हुई है, बहुत टाइम पड़ा, आराम से निकलिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब U इज इक्वल टू USF है तब Q क्या है? 0 है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जब U इज इक्वल टू USF था तो हमने बता दिया कि भाई Q क्या था? 0 था। अब मैं बात करूंगा आपको कि अब मान लीजिए आपका फ्लो धीरे धीरे बढ़ गया, आप इधर आ रहे हैं, ठीक है, फ्लो धीरे धीरे बढ़ गया। अब आप खुद सोचिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 7:30 की बात कर लेते हैं, 7:30 AM to 8:30 AM। चलो मैं आपको और थोड़ा ग्रेजुअली लेके आता हूं। रात को 2 बजे से सुबह 5 बजे, 5 बजे थोड़े से नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ गए क्योंकि बहुत सारे लोग उठ गए, कोई लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके गार्डन तक जा रहे हैं। You will find the traffic more than the traffic available on 2 AM. जब अब आपका फ्लो अगर बढ़ गया है, पहले आपका फ्लो कितना था यहाँ पे? एकदम 0, या फिर मैं बोल दूँ 5 से 6 व्हीकल पर आर, ठीक है, 1 घंटे में 4 से 5 व्हीकल आ रहे थे, तब आप अपनी मर्जी चल रहे थे। अब जैसे ही थोड़ा सा टाइम बढ़ा, सुबह होने लगी, तब आपके व्हीकल क्या हो गए? 100 व्हीकल पर आ रहे हैं। तो अब आपकी स्पीड सुबह जितनी नहीं रहेगी। मान लीजिए आप 100 की स्पीड चला रहे, अब आप 100 पे नहीं चलाएंगे, 80 पे चलाएंगे। 7:30 बजे तक तो आपकी ये हालत हो गई कि भैया 500 व्हीकल पर आने लग गए, नहीं तो 800 व्हीकल पर आने लग गए हैं। 7:30 बजे तक तो काफी ट्रैफिक हो जाता है, तो 800 व्हीकल पर आर जब आने लग गए हैं, अब आपकी स्पीड 100 भी नहीं रही, 80 भी नहीं, अब आपकी स्पीड क्या हो गई है? और कम हो गई, 0 नहीं हुई है, 0 नहीं हुई है, अभी भी आप चल पा रहे हैं। समझ में आया आपको? इसका मतलब जैसे 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 वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्पीड क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता गया वैसे वैसे आपकी स्पीड डिक्रीज कर गई। तो यहां पे इस जगह पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू मैक्सिमम। वाई क्यू मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये मैं क्यू मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वो वाला फ्लो है जहां पे आप अपनी गाड़ी चला पा रहे हैं, आपकी स्पीड 0 नहीं हुई है। समझना है आपको? स्पीड 0 नहीं हुई है। अब मैं बात करता हूं 10:30 बजे की, 9:30 से 10:30 बजे की। इस वक्त क्या हो गया? जो U है आपका ऑप्टिमम पे पहुंच गया, इस वक्त U जो है ऑप्टिमम पे पहुंच गया और जो आपका Q जो है वो मैक्सिमम पे आ गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किस जगह की? अब मैं बात कर रहा हूं 9:30 से 10:30 बजे की। अब बताइए 10:30 बजे तो भैया क्या हो गया था? जाम लग गया था। अब जब जाम लग गया तो गाड़ियां आगे ही नहीं निकल पा रही है, समझ पा रहे हैं आप? आगे ही नहीं निकल पा रही है तो कहां का फ्लो? जब फ्लो आए भाई, गाड़ियां आगे निकलेगी तब ना गाड़ी फ्लो करेगी, तब ना व्हीकल फ्लो करेंगे, तब ना आपको 1 घंटे में 500, 1000, 2000 व्हीकल निकलते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसके बाद तो ये तो वो वाली कैपेसिटी होगी रोड की, वो वाला वॉल्यूम हो गया जहां पे आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि यार भैया आप 2 बजे तो रात को 100 की स्पीड से चल रहे थे, सुबह 7:30 बजे आप 50 की स्पीड से चल रहे थे, अब क्या हो गया आपको? अब आप 30 की स्पीड से क्यों चला रहे हैं? आप ये बोलेंगे 30 की स्पीड से इसलिए चला रहा हूं क्योंकि गाड़ियां रोड पे बहुत ज्यादा आ गई है।
8:30-9 के आसपास गाड़ियां रोड पे बढ़ गई है, तो अब मैं 100 की स्पीड या 50 की स्पीड से नहीं चला सकता, अब मुझे 30 की स्पीड चलानी पड़ेगी। भले ही मुझे रोड अलाउ कर रही है 100 पे चलाने के लिए, लेकिन इस वक्त मैं नहीं चला सकता, क्योंकि धीरे 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 रोड की डेंसिटी व्हीकल पर आर बढ़ रहे हैं, फ्लो भी क्या कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप जब भी जब आप इस स्थिति में पहुंचे, सॉरी इस स्थिति में पहुंचेंगे 9:30-10 के आसपास ऑफिस टाइम में, तब रोड का जो डेंसिटी हो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब स्पीड ही जीरो होगी, जब आप कोई चल के ही नहीं जा रहा है, तो फ्लो कहां से होगा। इसका मतलब अब फ्लो क्या करेगा, रिड्यूस होने लगेगा जब 9:30 के आसपास, तो जब यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और क्यू क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। क्यू डिक्रीज करके वापस से, सॉरी, और जब स्पीड बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, जब स्पीड बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, तब आप बोल सकते हैं कि क्यू भी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि और स्पीड कम होने लगेगी, तो इसका मतलब ये क्यू भी कम होने लग गया। और जब स्पीड एक बार आके जीरो होगी, इसका मतलब अब तो कोई व्हीकल, जब स्पीड जीरो हो गया मतलब कोई वहां से निकल ही नहीं रहा, जब निकल नहीं रहा तो फ्लो किस बात का। तो क्या आप हमें बता सकते हैं, ये वाली कंडीशन मैं लिख रहा हूं ए और बी, आप हमें बताइए कौन सा वाला पोर्शन आपको कंजेशन देगा और कौन सा वाला आपको अनकंजेशन देगा, जिसमें कंजेशन नहीं है। आप सोच के देखिए ना यार, आप मैक्सिमम कैपेसिटी आप अचीव कर लिए थे, मैक्सिमम वॉल्यूम आप अचीव कर लिए थे, अब आपका फ्लो कम क्यों हो गया, क्योंकि आपकी डेंसिटी बढ़ गई। आप समझ पा रहे हैं, जब आप यूएसएफ से कम 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 कम, जब आपकी स्पीड धीरे जीरो होने को आती है, आप देखिए हमें, देखिए स्पीड जब धीरे होने को आती है, ओहो डेंसिटी तो बढ़ रही है, जब डेंसिटी बढ़ रही है मतलब जाम बढ़ने वाला है, जाम लगने वाला है, जाम लगने वाला मतलब फ्लो होना ही नहीं है। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया, जैसे जैसे स्पीड रिड्यूस होती है, तब एक ऑप्टिमम स्पीड पे आके तो क्यू मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर स्पीड और रिड्यूस हुई, स्पीड अगर उसके बाद और रिड्यूस होती है, उसका मतलब ये होता है स्पीड रिड्यूस होने का, यानी कि आपने गाड़ी चलाना बंद कर दिया, आपकी मजबूरी थी, जाम लग गया था, कंजेस्टेड हो गई थी रोड, इतने सारे व्हीकल आ गए थे कि आपको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, आपको स्पीड बढ़ाने की जगह नहीं मिल रही थी। इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपको कंजेशन देगा और ये वाला अनकंजेस्टेड, ये उतना कंजेस्टेड नहीं है। ये सुबह 7:30 आपको कहां कंजेशन मिलता है यार, ये देखो 7:30 कहीं आपको जाम लगा मिलता है क्या, लेकिन आपको 10:30 के आसपास जाम लगा मिलेगा। रात को 2 तो भैया कोई किसी का मालिक नहीं है, आप मर्जी पड़े से चलाओ। अब आते हैं हम तीसरे रिलेशन पे, आइए तो थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं ये। वॉल्यूम और डेंसिटी, अब ये वाला जो ग्राफ आएगा तीनों का, दोनों का मिक्सचर आ जाएगा, आप देखेंगे अभी। चलिए, अगर आपका, मैं बोल रहा हूं कि Q जीरो है, तो आपका K का वैल्यू क्या होगा, आप बताएंगे हमें। चलो उल्टा ले लेते हैं, अगर K जीरो है, K जीरो का मतलब क्या हुआ, आप खुद से सोचना, K जीरो का मतलब क्या हुआ, अगर K जीरो है तो फ्री फ्लो स्पीड है कि नहीं है। जब K जीरो है मतलब डेंसिटी कुछ है ही नहीं भैया व्हीकल पे, सॉरी सड़क पे कोई डेंसिटी है ही नहीं, तब उस वक्त आप फ्री फ्लो स्पीड से चल रहे हैं, आप अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रहे हैं। अगर आप अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रहे हैं, ओ माय गॉड, उधर तो आपका क्यू की वैल्यू तो जीरो है। अगर आप मैक्सिमम स्पीड पे चलते हैं तो क्यू तो जीरो रहता है, क्यों जीरो, आप मैक्सिमम स्पीड पे क्यों चल पा रहे, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उस वक्त अगर कोई वहां रोड पे खड़ा होगा रात को 2, तो उसको एक घंटे में एक व्हीकल आता हुआ दिखाई देगा, 4-5 व्हीकल आते हुए दिखाई देंगे। योर फ्लो इज वेरी लेस, बिकॉज एट K इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू USF, एंड एट U इज इक्वल टू USF, योर Q इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब कि यहाँ पे Q क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब K जीरो तो Q भी जीरो। अब बात करते हैं KJ की, जब K आपका KJ में पहुंच गया, तब क्यू पे क्या हाल होंगे देखते हैं। जब K KJ पे पहुंच गया, जब K KJ पे पहुंच गया तो U क्या हो गया, जीरो। जब आपकी जाम डेंसिटी लग गई, भैया जाम लगा हुआ है, आप खिसक ही नहीं पाएंगे, जब खिसक ही नहीं पाएंगे तो भैया आगे की रोड पे फ्लो कहां से आएगा, जब कोई निकल के नहीं जा रहा तो व्हीकल कहां से निकलेंगे। आप खुद ही देखिए, जब U इक्वल टू जीरो होता है तब क्यू भी क्या रहता है, जीरो रहता है। तो यहां पे भी क्यू क्या हो गया, जीरो आ गया।
चलो अब क्या होगा फिर, तो फिर ग्राफ क्या सीधी लाइन बन जाएगी। हम देखते हैं ऑप्टिमम डेंसिटी पे क्या होगा। अगर k इज इक्वल टू k नॉट, ऑप्टिमम डेंसिटी में q के वैल्यू क्या होंगे। ऑप्टिमम डेंसिटी में आप अपनी ऑप्टिमम स्पीड से चल रहे हैं, और ऑप्टिमम स्पीड पे तो q क्या आता है यार, मैक्सिमम आ जाता है, क्योंकि ऑप्टिमम स्पीड पे आपको उतना डिस्टर्बेंस या उतना कंजेशन नहीं मिल रहा है जो कि आपको kg पे मिल रहा था, और आप उतने भी खाली नहीं बैठे हैं या फिर आप उतने भी आपकी रोड खाली नहीं है कि आपको अपने फ्री फ्लो स्पीड पे चलाने दे। ठीक है, आप ये खुद देखो, वापस से देखेंगे, ऑप्टिमम डेंसिटी पे स्पीड कौन सी आती है, ऑप्टिमम, और ऑप्टिमम स्पीड पे तो क्यू क्या आता है, मैक्सिमम आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी ऐसे करके। तो रिलेशन कैसा बन गया, समझ आया आपको। तो अब आप देखिए सारे के सारे रिलेट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, समझ में आया। तो तीनों रिलेशन आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। जब ये दो अगर आप ढंग से सीख जाएंगे तो ये अपना आ जाएगा। अब आप इसमें से बता सकते हैं, ये ए है मान लीजिए और ये बी है, कौन सा कंजेस्टेड कौन सा अनकंजेस्टेड। अब खुद सोचो ना यार, क्यू मैक्सिमम के बाद की सारी चीजें क्या होती है, कंजेस्टेड होती है, क्योंकि आप एक बार, अच्छा यहां लिख देता हूं मैं, अच्छा लिख दिया है, चलो क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम। इधर जब k जीरो था, डेंसिटी जीरो थी, मतलब आप फ्री फ्लो स्पीड पे चल रहे थे, मतलब कितने बजे की बात है, रात को 2 बजे की बात है, तो ये पूरा पोर्शन उतना कंजेस्टेड नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे कंजेशन बढ़ रहा है, यहाँ बिल्कुल अनकंजेस्टेड है, फिर धीरे 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 कंजेशन बढ़ेगा, यहाँ आपको मैक्सिमम कंजेशन मिलेगा, उसके बाद तो भाई हाईली कंजेस्टेड है। तो ये वाला पोर्शन हम कह सकते हैं अनकंजेस्टेड, और ये कंजेस्टेड। समझ आया आपको। तो यहां से मैं आपको दो डेफिनेशन पूछना चाहता हूं, बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन निकल के आएंगी। क्या कोई भी ये सोच के बता सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूएसएफ, फ्री फ्लो स्पीड। अब मैंने जो आपको इनिशियली आपको एक बड़ी इनफॉर्मल आपको मैंने डेफिनेशन दी थी कि फ्री फ्लो स्पीड वो स्पीड है जहां पे बिना टेंशन के आप गाड़ी चलाते हैं। अब बिना टेंशन की गाड़ी क्या मतलब, आप सोचो यूएसएफ कहां कहां आया, यूएसएफ कब आया, जब यूएसएफ कब आया, जब के जीरो था, चलो यूएसएफ कब आया, जब क्यू जीरो था। ओहो, इसका मतलब अगर डेंसिटी और फ्लो दोनों ही जीरो है तब आप बिना टेंशन के गाड़ी चला सकते हैं। डेंसिटी जीरो मतलब कोई है ही नहीं, 1 किलोमीटर तक कोई है ही नहीं, और फ्लो जीरो का मतलब बिल्कुल फ्लो ही नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं फ्लो, क्योंकि जब जो आदमी वहां पे 2 बजे रात को खड़ा होकर नोट कर रहा है उसको 1 घंटे में 2 गाड़ी आती दिखाई दे रही है, तो वो तो अपनी स्पीड से आएगा ही ना, वो तो अपनी मैक्सिमम स्पीड से आएगा, चाहे सड़क पे कुछ भी लिखा हो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मैक्सिमम है, लेकिन आदमी 120 से चलाएगा उस समय, क्योंकि उसको कोई टेंशन ही नहीं है ना। इसका मतलब फ्री फ्लो स्पीड इज दैट स्पीड, इज दैट स्पीड which achieved at zero density and zero flow। समझ में आ गया आपको। जैम डेंसिटी की भी हम डेफिनेशन इसी तरह से दे सकते हैं, जैम डेंसिटी वो डेंसिटी है जहां पे फ्लो भी जीरो होता है और स्पीड भी क्या होती है, जीरो होती है। तो kg जैम डेंसिटी इज दैट डेंसिटी वेयर स्पीड ऑफ व्हीकल एंड फ्लो बिकम्स, फ्लो ऑफ व्हीकल्स बिकम्स जीरो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी, क्यू मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम फ्लो कितना होगा, मैक्सिमम फ्लो का मतलब क्या है, ऐसा फ्लो जहां पे आप बिना किसी डिस्टरबेंस मतलब बिना हेजिटेशन के गाड़ी चला सके, मतलब डिस्टरबेंस मतलब ऐसा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कि आप जाम ही रोके बैठ जाओ, तो ये हालत भी नहीं होनी चाहिए कि आप एकदम ही एक, आप सोचो ना रात को जो आदमी 120 की स्पीड से निकलता है क्या वो दोपहर में या सुबह 8 बजे 120 पे चला सकता है, ये नहीं चला सकता। क्या वो 10:30 बजे 120 पे चला सकता है, नहीं चला सकता, क्योंकि 10:30 बजे तो बहुत ज्यादा जाम लग जाता है, और जो सुबह 7 बजे की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है,
वो 120 पे नहीं चला पाएगा, मे बी वो 60 पे चला ले, 120 पे नहीं चला पाएगा, ठीक है। तो क्यू मैक्सिमम क्या हो गया, ऐसा मतलब क्यू मैक्सिमम मतलब दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन इट अचीव्ड, व्हेन यू अचीव्ड इट्स ऑप्टिमम वैल्यू और k अचीव्ड इट्स ऑप्टिमम वैल्यू। सो इट अचीव्ड व्हेन k एंड u बोथ अटेन्स इट्स ऑप्टिमम वैल्यू, तब आपको q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, q मैक्स मिल जाएगी। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या होती है आखिर k ऑप्टिमम की वैल्यू और u ऑप्टिमम की वैल्यू, ठीक है। तो देखेंगे ये तीनों आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। तो मैं ये तीनों तो मैं ये जगह बची नहीं है, ओके लेट मी ट्राई। एक ग्रीन शील्ड नाम का बंदा था, उनका एक मॉडल था ग्रीन शील्ड्स मॉडल। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी यू इज इक्वल टू यू एस एफ वन माइनस के अपॉन थीज। एंड हम पहले से जानते हैं वी नो कि q इज इक्वल टू के इन टू यू, इसका मतलब q इज इक्वल टू के, u की वैल्यू यहां रखेंगे तो यू एस एफ वन माइनस के अपॉन के जी। चलो अगर मैं आगे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो q की वैल्यू यू एस एफ को बाहर ले आओ, वन माइनस के स्क्वायर अपॉन के जी। चलो ये बन गई आपकी फ्लो की इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मिस्टर ग्रीनशील्ड। अब अपने को q को क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है फॉर q इज इक्वल टू क्यू मैक्स। क्या होना चाहिए, dq अपॉन dk का जो डिफरेंशिएशन आएगा, q का k के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आएगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। दिस सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ओके। तो जब आप dq अपॉन dk निकालेंगे, usf तो कांस्टेंट है, 1 माइनस 2k अपॉन kj भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको अगर मैं जीरो रखता हूं, जीरो इज इक्वल टू यूएसएफ वन माइनस टू के अपॉन के जे, तो यहां से भैया आपकी के की वैल्यू आ जाएगी के जे बाई टू। ये वो ऑप्टिमम वैल्यू है जहां, अब देखो मैं क्यू इसको एक मिनट, के इज इक्वल टू के जे बाई टू आ गया, ठीक है। चलो मेरे को मिटाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यू वापस कहां रखेंगे, इधर रख दो इस इक्वेशन में। तो u इज इक्वल टू यू एस एफ वन माइनस केजे बाई टू, केजे से केजे कैंसिल हो गया तो u इज इक्वल टू क्या बच गया, यू एस एफ बाई टू। आप हमें बताइए कि u की जो यू एस एफ बाई टू वैल्यू निकाली और k की जो केजे बाई टू वैल्यू निकाली किसके लिए निकाली है, क्योंकि आपको q क्या चाहिए था, q मैक्सिमम। ओहो, इसका मतलब q मैक्सिमम तब आएगा जब डेंसिटी की वैल्यू kj by 2 हो जाएगी और u की वैल्यू usf by 2 हो जाएगी। और q मैक्सिमम तो अभी हमने जो है डेफिनेशन लिखी वो कब आता है, जब वो अपनी ऑप्टिमम स्पीड और ऑप्टिमम डेंसिटी पकड़ लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया आपका k ऑप्टिमम, ये हो गया आपका u ऑप्टिमम, इसलिए u ऑप्टिमम की वैल्यू usf by 2, k ऑप्टिमम की वैल्यू kj by 2। समझा आपको, kj by 2 ये usf by 2। चलो इसका मतलब अगर मैं अब मैं वापस से ये दोनों वैल्यू इसमें रखूं तो q विल बिकम q मैक्सिमम, तो q मैक्सिमम इज इक्वल टू k नॉट इनटू u नॉट, तो q मैक्सिमम इज इक्वल टू, चलो ऐसा लिख देते हैं, u नॉट इनटू k नॉट क्या आएगा, USF by 2, KJ by 2, इसका मतलब U maximum जो आ गया आपका USF KJ by 4, this is the maximum जो है आपका फ्लो है, जो कि किस पे आ जाएगा, वापस से लिख देता हूं मैं, Q max is equal to USF KJ by 4, किससे आए, ग्रीन शील्ड मॉडल से, ठीक है। क्यों वैल्यू k नॉट और u नॉट की usf by 2 kj by 2 हो गई, वो आपको मैंने समझा दिया पूरा, क्योंकि आपको q को q max बनाना था। तो इस मॉडल से हमने देखा तो हमको पता चल गया, ये सारे रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे कब कौन क्यों बढ़ रहा है क्यों कम हो रहा है, ओके। सो
एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो कुल मिला के छोटा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, छोटा कॉन्सेप्ट जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे हमारा ये निकला और फिर इन दोनों से हमने ये बना दिया एक ही मिनट में। इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो गया वो ये हो गया कि भैया जब डेंसिटी जब जीरो होगी ना, जब डेंसिटी जीरो होगी तब मैं अपने धड़ल्ले से चलाऊंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है क्योंकि सड़क पे कोई व्हीकल ही नहीं है, डेंसिटी जीरो है। और जब जाम लग जाएगा तो भैया मैं आगे खिसक ही नहीं पाऊंगा। कुल मिला के बात क्या हो गई, जब k इज इक्वल टू जीरो होता है तो यू यूएसएफ अचीव कर लेता है और जब k इज इक्वल टू kj होता है तो यू कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। इसके बेस पे हमने ये बनाया था और इन दोनों के बेस पे फिर हमने ये बनाया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से। क्वेश्चन बता देता हूं, छोटे छोटे दो क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर वन ये कह रहा है कि फ्री फ्लो स्पीड ऑफ ए रोड इज 100 km/h एंड अंडर द स्टॉप्ड कंडीशन द स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल इज 6.1 meters, फाइंड द मैक्सिमम फ्लो व्हिच कैन बी अचीव्ड ऑन द रोड। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपको गिवन जो वैल्यूज है वो मैं लिख देता हूं। यूएसएफ दिया हुआ आपको 100 km/h, चलो। और दूसरी लाइन बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि जब आपकी स्टॉप्ड कंडीशन आ जाती है, स्टॉप्ड कंडीशन आ जाती है मतलब कि आप रुक चुके हैं। रुके क्यों है, क्योंकि आप जाम में फंस गए। और जाम कैसा लगा हुआ है कि ऐसा जाम जब दो गाड़ियों के बीच की स्पेसिंग कितनी है 6.1 meters, मतलब कि दो गाड़ियों के बीच में स्पेसिंग कितनी 6.1 meters। और यह हमको पता है कि जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है और इसकी यूनिट क्या होती है, व्हीकल पर किलोमीटर, मतलब कि एक किलोमीटर में कितने व्हीकल हैं। तो आप ये बताएंगे एक किलोमीटर में कुछ व्हीकल खड़े हैं जो कि 6.1 की स्पेसिंग पे खड़े हैं, तो क्या मुझे वो कुछ व्हीकल बता सकते हैं कैसे होंगे। एक किलोमीटर मतलब 1000 meters डिवाइड बाई 6.1, कि भैया दो व्हीकल के बीच की स्पेसिंग कितनी 6.1, या मैं बोल दूं कि 2000 meters में व्हीकल की स्पेसिंग कितनी, सॉरी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने, तो 1000 divided by 6.1, तो नंबर ऑफ व्हीकल आ जाएगा कितना, ऑलमोस्ट 164 व्हीकल पर किलोमीटर। तो केजे आ गया, यूएसएफ आ गया, मुझे तो क्यू मैक्स निकालना था, यूएसएफ डिवाइड बाई 4, यूएसएफ की वैल्यू 100, ये 164 डिवाइड बाई 4, 4100 व्हीकल पर आर। एक्चुअली क्यू की यूनिट पर आर पर लेन में भी दी जाती है, वही यूनिट है इसकी एक्चुअली, लेकिन अभी यहाँ पे लेन का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसका मतलब जो भी डाटा दिया हुआ है वो पर लेन का ही दिया हुआ है, तो उससे हमने कर लिया। अगर आपको पूरी की पूरी टू लेन रोड का दे रखा है डाटा, तो आपको उसको पर लेन में चेंज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। समटाइम्स समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक रिलेशन दे देंगे, सेकंड क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं, एक रिलेशन दे दिया ये 80 - 2/3 km, फाइंड क्यू मैक्स। अगर रिलेशन दे दिया और ज्यादा आसान हो गया क्वेश्चन, कुछ सोचना ही नहीं आपको, आपको ये पता है जब when v जब जीरो हो जाता है तो k क्या हो जाता है, kj हो जाता है। तो यहां v जीरो रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, देखो जब v जीरो रख देंगे तो 80 - 2/3 kj, तो kj की वैल्यू क्या होगी, 80 × 3 क्योंकि 2/3 kj की तरह से, हाँ डिवाइड बाय 2, तो 120 व्हीकल पर किलोमीटर होगी। और हमको पता है व्हेन जब k जीरो होता है तो u क्या बन जाता है, यूएसएफ। तो यहां पे अगर आप k जीरो रखेंगे तो यूएसएफ विल इक्वल टू 80 km/h, तो क्यू मैक्स क्या आ जाएगा आपका, kj यूएसएफ डिवाइडेड बाय 4, तो kj की वैल्यू 120, ये 80 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो गया 2400 व्हीकल पर आर पर ली। सिंपल इक्वेशन में देंगे तो इट बिकम्स मोर सिंपल, और अगर थोड़ा सा लैंग्वेज में दे देंगे तो बस आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपको अच्छा लगेगा उससे, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका ग्राफ का, बाकी तो वैल्यू वाइज तो हमको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं, तो क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड, A two lane road with one way traffic, एक two lane road है जिसपे one way traffic चल रहा है, मतलब दोनों की दोनों lane पे traffic चल रहा है, has capacity of 1800 vehicle per hour,
इसका क्या मतलब हुआ कि उस टू वे लेन पे जब एक ही साइड में ट्रैफिक चल रहा है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, तब उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1800 व्हीकल पर आवर है। इसका मतलब उसकी पर लेन कैपेसिटी कितनी होगी? 900, क्योंकि दोनों लेन पे ट्रैफिक चल रहा है ना, हमको तो पर लेन चाहिए, तो 900 होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखी है, अंडर द जाम कंडीशन एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइड बाय इज 5 मीटर। मतलब जैम कंडीशन जब लगी उसी रोड पे, जब 1800 व्हीकल पर आ रहा है ना वहां पे, तब वहां जाम कंडीशन लग गई, और उस वक्त दो आपके इसके व्हीकल के बीच का स्पेसिंग कितना था? 5 मीटर। तो क्या आप नंबर ऑफ व्हीकल बता सकते हैं? 1000 / 5, 200 व्हीकल पर आ, ओके नाउ सॉरी 200 व्हीकल पर किलोमीटर। थर्ड लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ योर डेंसिटी विल बिकम 1000 व्हीकल पर सॉरी वॉल्यूम विल बिकम 1000 व्हीकल पर आ, देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ रोड दैट टाइम। इसका मतलब यह है कि अभी आपकी रोड की फ्लो कितना है? 1800 व्हीकल पर आ रहे, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन का डाटा जो दिया वो लिख रहा हूं। अभी क्यू मैक्सिमम क्या है? 1800 व्हीकल पर आर है, जिसको मैं क्या लिख दूंगा? 900 व्हीकल पर आर पर लेन, क्योंकि मुझे तो इसी से मतलब है, पर लेन से यही काम में लेंगे। अच्छा, स्टॉप्ड कंडीशन में स्पेसिंग कितनी है व्हीकल के बीच की? स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल इज 5 मीटर। इसका मतलब केजे क्या हो गया, जैम डेंसिटी क्या होगी? 200 व्हीकल पर किलोमीटर, ये केजे हो गया। चलिए, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि डेंसिटी बताओ जब क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 व्हीकल पर आर, मतलब कि 500 व्हीकल पर आर पर लेन जब हो जाएंगे तब डेंसिटी क्या होगी। आपको इतना तो पता है कि जब Q मैक्सिमम आता है और KJ अगर होता है तो वहां से आपकी वेलोसिटी कौन सी आएगी? USF आएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या, Q मैक्सिमम इज इक्वल टू USF KJ डिवाइडेड बाय 4, ये 900 है, USF हम यहां से निकाल लेंगे, KJ क्या है? 200 और ये 4, तो USF क्या आ गया? 900 into 4 divided by 200, तो USF की वैल्यू आ गई 18 kmph। मतलब बिना टेंशन के भी वो आदमी जो भी जिसकी भी नोट की गई चीजें हैं वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकता है, जब वो बिना किसी टेंशन के तब भी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर आपकी जो देखो आप ध्यान से देखेंगे ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब 900, अब आपका जो फ्लो है वो क्या है? 500, फ्लो कम हो गया है। अगर फ्लो कम हो गया है इसका मतलब अब आपकी डेंसिटी इतनी तो नहीं रही है, अब आपकी डेंसिटी इतनी तो नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो वो डेंसिटी 200 व्हीकल पर किलोमीटर खड़े यार, एकदम जाम कंडीशन है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका व्हीकल पर लेन 900 आ चुके हैं, पर आर पर लेन 900 व्हीकल आ रहे, तब आपका जाम लग गया भैया। अब आपका सोचो अगर फ्लो कम हो गया, अब आपके व्हीकल 500 ही आ रहे, इसका मतलब अब डेंसिटी आपकी 200 व्हीकल पर किलोमीटर तो नहीं रहने वाली, डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, सारे 200 से ऊपर क्वेश्चन, 200 से ऊपर के आंसर होता है, एक 200 से कम वाला होता है, बिना सोचे समझे टिक कर दो, क्योंकि मैं भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड ही नहीं हूं, सीधा आप उसे कर सकते हैं। तो हमको पूछा है यहां पे क्या होगी, आपको पता है कि जो यू है वो USF 1 - K/KJ है, और यहां से अगर मैं क्यू लिख, अच्छा एक और बात, अगर वो इस वक्त जब जाम कंडीशन है अगर उसकी फ्री फ्लो स्पीड 18 है तो उसकी नॉर्मल वेलोसिटी 18 तो नहीं आएगी, ठीक है, ऑप्टिमम वेलोसिटी कितनी आएगी? USF by 2, 9 kmph आएगी, है कि नहीं? तो Q is equal to KU होता है, आपको ये भी पता है, तो Q is equal to K USF 1 - K/KJ, ठीक है जी, इसका मतलब Q is equal to USF 1 - K²/KJ, जो अपन ने बेसिक इक्वेशन ली थी, बिकॉज हमको ऐसा वैल्यू गिवन है तो हम K की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से, दिस इज 500, व्हाट इज USF? USF इज 18, ओके 1 - K² एंड व्हाट इज KJ वैल्यू इज 200, ओके तो 18 को मैं यहां ले आता हूं, कुछ रह गया क्या? ओके हाँ, मल्टीप्लाई किया तो K रह गया ना, अंदर मल्टीप्लाई हुआ K, हाँ 27.77 इज इक्वल टू K - K²/200। अब आप सोचिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, के इक्वेशन को K²/200 - K + 27.77 = 0,
यहां से आपको के स्क्वायर निकालना और आपका आंसर आ जाएगा। आप ध्यान देंगे एक बार, यहां से k की वैल्यू आपको आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 167, एक आएगी 34। ओके, ये सारी आंसर किसके लिए आ रहे हैं? वन लेन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपने क्यू कौन सा लिया, वन लेन का लिया है। तो अगर मैं टू लेन का निकालूं, बिकॉज आपको डेंसिटी किसके निकालनी, सो डेंसिटी फॉर टू लेन, क्योंकि आपका क्वेश्चन टू लेन का था ना यार, ये सब तो वन लेन के लिए हुआ है, तो टू लेन कितना आ जाएगी, मैं दोनों आंसर के हिसाब से लिख रहा हूं, तो 68 व्हीकल पर किलोमीटर, और इससे कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 134 व्हीकल पर किलोमीटर। आपको ये देखना है कि आंसर कौन सा सही है, ठीक है भाई, के की वैल्यू दोनों सही है, सही कौन सा है? आप सोचिए, जब जाम लग रहा था तभी पर किलोमीटर मैक्स टू मैक्स कितने व्हीकल आ पा रहे थे, 200, मतलब जिस रोड पे आप गाड़ी चला रहे थे वहां जाम लग गया, जब आप आगे ही नहीं खिसक पा रहे हैं, उस वक्त भी मैक्सिमम कितनी गाड़ी आ सकती है उस पर 1 किलोमीटर में, 200, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए, जब 200 व्हीकल थे तब आपकी व्हीकल के बीच की स्पेसिंग कितनी अलाउड थी, 5 मीटर, अगर इतने व्हीकल हो गए तो व्हीकल के बीच की स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट 2 point something, 2 मीटर की स्पेसिंग बीच में व्हीकल में, हो सकता है खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमको जो कंडीशन दी हुई है उसमें मैक्सिमम डेंसिटी पॉसिबल ही कितनी है, 200, जब आपका जाम लग जाएगा तब भी आपकी मैक्स टू मैक्स व्हीकल कितने आ सकते हैं वहां पे, 200, तो 334 तो आने का सवाल ही नहीं है, इसलिए यह आंसर क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, दिस इज, तो के इज इक्वल टू 68 व्हीकल पर किलोमीटर जब आपके जो डेंसिटी है वो कितनी है, सॉरी फ्लो जो है वो कितना है, 500 व्हीकल पर आ रहे हैं उस वक्त, आपके पूरे रोड पे जो है मैक्स टू मैक्स कितने व्हीकल आ सकते हैं, 68 व्हीकल पर किलोमीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैफिक फ्लो डायग्राम, तीन डायग्राम हमने सीखे, उनके ऊपर तीन ही हमने क्वेश्चन कर लिए, दो छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग का था, अंडरस्टैंडिंग ओनली मेरे को आपको यही समझानी थी बस, बाकी सब तो फॉर्मूला बेस्ड था, यही ये समझानी थी कि आप इन दोनों में से कौन सा लेंगे, क्यों 334 वाला पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है, इस 80 एमपीएच का क्या मतलब है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड, तो आप सीधा इसका हाफ कर दीजिए, व्हाट इज द ऑप्टिमम डेंसिटी 100 व्हीकल पर kg/2, लेकिन आपका देखो आंसर कितना रहा है 68, मतलब ये ऑप्टिमम से भी क्या है, कम है, ये सुबह 6:30 की बात है, 7:30 की भी नहीं है, 6:30 की बात है जब लोगों ने बाहर निकलना शुरू ही किया था, तो उस समय आपकी स्पीड, अच्छा अब आपको एक k की वैल्यू मिल गई है, तो आप यहाँ पे इस वक्त आपकी स्पीड भी निकाल सकते हैं, समझ में आपको, कि जब आप यहाँ 68 रखी है, 200 रखी है, 18 रखी है, आपको वो स्पीड मिल जाएगी जो आप सुबह 6:30 पे जाएंगे, जो आपको स्पीड उस समय अलाउ है, आप 100% लिख लीजिए, वो इससे ऊपर सॉरी इससे नीचे ही आएगा, क्योंकि यूएसएफ पे तो आप चल नहीं सकते किसी भी हाल में, यूएसएफ पे तो नहीं चल सकते ना किसी भी हाल में, क्योंकि यूएसएफ तो वो वेलोसिटी जब आपको बिना टेंशन चलाते हो, जब बिल्कुल ही डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, यहां तो डेंसिटी कुछ ना कुछ तो आई है, तो इससे तो कम ही आएगा आंसर। चलिए, तो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस कंप्लीट टॉपिक, सो आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे सारे डायग्राम्स, उनके रीजंस कैसे वो बना, ठीक है, और क्या डेफिनेशन होती है फ्री फ्लो स्पीड, क्या होती है जैम डेंसिटी, और क्या होता है क्यू मैक्सिमम, और फिर हमने उसके किए कुछ कुछ क्वेश्चन, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमने ली, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, ओके, और आते रहेंगे आपके सामने इसी तरह के कुछ क्वेश्चन लेके और कुछ अच्छे सुंदर टॉपिक लेके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।